Good morning, everyone. In the last class, I started talking about the notation of factorial and the basic properties, the meaning of factorial, and the fundamental principle of counting as a multiplication rule or as an addition rule. Let's consider a few questions. And to begin with, this is the question I gave you in your homework to understand. And here, two things are very important to understand. Not allowed repetition and when the repetition is allowed. So how does it make a difference? So let's check it out via this question. Find the number of four letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word nose. So nose mein char alphabet hai, N, O, S and E. Ab with or without meaning का मतलब नोज भी चलेगा और एन एस ओ ई भी ओके है, ई ओ एस एन भी ओके है एंड एंड सो ऑन. तो इस तरह से अगर हम वर्ड्स फ्रेम कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी कैन बी फॉर्म. केस वन, इफ द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो थिंक लॉजिकली, ये फोर अल्फाबेट्स आने हैं यहाँ. फर्स्ट प्लेस पर एन आ सकता है, ओ आ सकता है, या एस आ सकता है, या ई आ सकता है. तो इट हैज गॉट फोर चॉइसेस. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब अगर कोई भी एक लेटर पहले यूज हो चुका है, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड एट द सेकंड दिस प्लेस. तो इसके पास एक चॉइस कम हो गई, थ्री चॉइसेस. विद द सेम आर्गूमेंट आई कैन सिंपली से इट इज left with two possible choices and finally it left with only one choice. Or ye bhi ho and ye bhi ho, ye sare cases simultaneously ho, so that refers to the case of multiplication principle. So this is 24. And very soon I am going to use the notation of factorial to understand this. Four places and four letters are available. So they can be filled in 4P4 ways, which is actually referred to as 4 factorial and which is actually 24. So this is linked with the concept of factorial and permutation specifically quite later, but main thoda thoda basic idea aapko de raha hu. Ye kya hai NP4, matlab 4P4 ya NPR agar main kahun, नहीं भी समझ आता, नो वरीज, क्लियर होगा आफ्टर मे बी से 10-15 मिनट्स. तो अभी के लिए सिंपल रूल की बात करते हैं विदाउट मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमुटेशन. नहीं पता मुझे वो क्या है, ठीक है. तो अब सेकंड पार्ट पे एक बार फोकस करिए. सेकंड पार्ट पे देखो फर्क क्या पड़ गया. द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड. अब आपके पास चार प्लेसेस हैं एंड चार अल्फाबेट हैं, और अब अगर रिपीटेशन अलाउड है, पहले प्लेस पे ये चार लेटर आ गए, कोई भी आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, या ई आ सकता है. नाउ सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, इसका मतलब फिर से यहां पर सेम लेटर जो पहले यूज हुआ था वो आ सकता है. तो इट स्टिल हैव दी फोर चॉइसेस. अगेन दिस प्लेस हैज स्टिल फोर चॉइसेस, रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इस केस में 256 हो जाएंगे. सो इस तरह का आप एग्जांपल याद करिए, शायद रोज वर्ड का, उससे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड समवन इनफैक्ट इन द लास्ट आस्क्ड अबाउट दिस के अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तब क्या होगा, तो वो सेम सिचुएशन. Check this out. Given four flags of different colors, red है, green है, blue है, magenta है, ये मैंने ऐसे randomly कह दिया, चलो ये चार color के flags हैं. How many different signals can be generated if a signal require a use of two flags, one below the other? अब आपको अगर फ्लैग्स को अरेंज करना है, वन बिलो दी अदर, ये फ्लैग है मेरा, और यहां पर अब आप खुद सोचिए कितनी चॉइसेस हैं.
आपके पास चार कलर के फ्लैग्स हैं, एनी कलर फ्लैग कैन बी ओवर हेयर। अब उस कलर का फ्लैग तो यूज हो चुका है, तो अब इसके पास ऑफ कोर्स एक चॉइस कम हो जाएगी, सेम कलर रिपीटेशन नहीं होगा ना, क्योंकि चार फिक्स हैं ये कलर, चार ही फ्लैग हैं, तो आई कैन नॉट रिपीट द सेम कलर वाला फ्लैग। सो क्लियर कॉमन सेंस से समझ आ जाता है कि ये 12 वेज टोटल आ रहे हैं। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 4P2. दिस आंसर इज एक्चुअली 4P2. फोर टोटल फ्लैग्स हैं, जिसमें से दो फ्लैग्स को मैंने यूज किया है। तो अब मैंने उन्हें सेलेक्ट करा है या मैंने उन्हें अरेंज करा है? तो सेलेक्शन वर्सेस अरेंजमेंट की बात होगी। तो एक रेफर करेगा परमुटेशन को और एक करेगा कॉम्बिनेशन को। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, एक लॉजिकली अगर आपकी अप्रोच है, अगर आप लॉजिकल सोचते रहे हैं इन जनरल ऑल्सो, नॉट इन मैथ्स बट अदरवाइज ऑल्सो, सो यू कैन बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन सो ईजिली। क्योंकि यहाँ ये मेन रहने वाला है थ्रू आउट दिस चैप्टर कि इस क्वेश्चन में परमुटेशन लगना है या कॉम्बिनेशन। अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल केस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बेटर क्लियर होंगी चीजें। बट अनलेस यू आर फोकस्ड, नहीं देखते हैं और नहीं पूछते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अपने डाउट्स को साथ साथ पूछ लीजिए, तभी बेटर चीजें बनेंगी, क्योंकि आगे ऑब्वियसली मुश्किल चीजें थोड़ी आने वाली हैं। चेक दिस आउट, सो आई विश अब ये समझ आ जाएगा और बाकी भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स। अब इस लैंग्वेज का मतलब बहुत ध्यान से समझिए, एट लीस्ट टू फ्लैग्स का मतलब कम से कम दो फ्लैग यूज करने हैं, और कह रहे हैं कैसे, वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टफ। इफ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो मैंने ऐसे सोच लिया, चलो रेड येलो ग्रीन मेजेंटा एंड ब्लू, ऐसे ही मैंने मान लिया अपने लिए कि चलो ये फाइव फ्लैग्स के अलग अलग कलर हैं, हर एक का एक एक फ्लैग अवेलेबल है कलर के ऐसे। अब उन्हें मुझे वर्टिकल स्टफ का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ये, ऐसे मुझे कलर्स को इस ऑर्डर में ऐसे अरेंज करना है फ्लैग बनाने के लिए। तो क्या कहा है कि एट लीस्ट टू फ्लैग्स यूज होने चाहिए, कम से कम दो का मतलब क्या हो गया, थिंक लॉजिकली। केस वन, दो फ्लैग्स यूज कर लूं मैं, या तीन फ्लैग्स यूज कर लूं, या चार फ्लैग यूज कर लूं, और या मैं पांचों कलर्स को यूज कर लूं। तो इस तरह से देखिए, आपके पास ये फ्लैग्स बनकर आ जाएंगे लाइक दिस। तो अब पहले केस को फोकस करते हैं, केस वन, एवरीवन फोकस हियर। ये इसमें क्या कहा गया था, मैंने टू फ्लैग्स को यूज करा, तो ये केस हम यहां डिस्कस कर चुके हैं, टू फ्लैग्स को यूज करा, तो क्या हो जाएगा, ये पहले के पास एनी पांच में से एक आ सकता है, फाइव चॉइसेस हैं, ये एक कलर ऑलरेडी यूज हो गया, एक चॉइस कम हो गई, इसके पास चार चॉइसेस आ गई। फिर ये आइडिया लग जाएगा कि ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 20 केसेस ये आ जाएंगे। इसी तरह से नाउ लेट मी फोकस ऑन केस टू। एवरीवन प्लीज यहां ध्यान दीजिए, केस टू में क्या हुआ,
तीन फ्लैग्स मैंने रखे हुए हैं क्योंकि एटलीस्ट टू थे, तो दो या तीन। अब तीन वाले में क्या होगा? सबसे ऊपर एनी फाइव चॉइसेस आर अवेलेबल, अगले केस में एक चॉइस कम हो गई, फोर हो गई, अगले में एक और कम हो गई, तो ऑब्वियसली 5 × 4 × 3 वो ये 60 केसेस दे देंगे। 3 अब मैं आता हूं केस 3 पर, इसे ध्यान से समझिए। आई एम यूजिंग फोर फ्लैग्स, एक के नीचे एक रख रहा हूं, तो पहले के पास 5 चॉइसेस, दूसरे के पास 4, देन 3, एंड देन यूजिंग अ सिंपल कॉमन सेंस एंड ऑब्जर्वेशन 2 चॉइसेस, तो मिलाकर कितनी हो गई? 5 × 4 × 3 × 2। आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट्स 120। एंड फाइनली यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड लास्ट केस फोर्थ। अब पांचों कलर को यूज करा, तो ऑफ कोर्स 5 4 3 2 1, विच इज मल्टीप्लाई कर लिया 120। और अब देखिए इन वैल्यूज को ऐड क्यों करा है, यहां पर फिर अब एक कॉमन सेंस आ जाती है, बीच में क्या होगा? और या ये होगा या ये होगा, या ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है, तो चारों पॉसिबिलिटी या में आ रही है, जैसे हम हिंदी में बोलते ना, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो और वाला केस है, और रेफर टू दी एडिशन। तो ये अगेन कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने इन वैल्यूज को ऐड क्यों किया है, तो विच टोटल अमाउंट टू 320 केसेस। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को समझने का, जिन्हें परमुटेशन का एनपीआर का मीनिंग अगर क्लियर हो गया है, बेसिक आइडिया, कैन एनीवन टेल मी परमुटेशन के टर्म में क्या लिखा जाएगा? पहला केस, केस वन क्या होगा? सो P52 P52 नहीं, 5P2। 5 ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 5 में से आपने दो अरेंज करें हैं। केस टू, 5 में से 5P3 3, 5P4, 5P5, दैट्स द आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देर इज अ सिंपल फॉर्मूला, आई विल टॉक अबाउट दैट वेरी सून। बट इसीलिए मैं इस चीज को बाद में क्यों लिया है, 7.2 को, सॉरी 7.1 को मैंने बाद में क्यों लिया है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैं फॉर्मूला से, एनपीआर की हेल्प से भी कर सकता हूं, तो मैं परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पे क्विकली आने वाला हूं। अभी भी जिनको ये नीचे वाला और समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाला सॉल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। बिफोर आई मूव ऑन, एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके, चेक आउट दिस एग्जाम्पल। हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो आप लॉजिकली सोचिए, दो डिजिट्स मान लो मैंने ये बना लिया, ठीक है, टू डिजिट्स का नंबर बनाना है, बट साथ में कंडीशन पहले ही मुझे पता है इवन होना चाहिए, तो मैंने क्या सोचा, पहले इस प्लेस के पास, यूनिट डिजिट के पास कितनी चॉइसेस हैं? एनीवन, व्हाई ओनली टू चॉइसेस? सो बिकॉज इवन नंबर है।
इवन में यहाँ या टू आ सकता है या फोर, क्योंकि अवेलेबल डिजिट्स आपको सिर्फ ये बताई गई है 1 2 3 4 5, तो या टू आएगा या फोर आ सकता है। बट साथ में एक और चीज पढ़ो, रिपीटेशन इज अलाउड। इसका मतलब जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस यहां फिर से इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है, तो इट हैज गॉट 5 पॉसिबल वेज। फिर विद अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से क्लियर हो जाता है व्हाई इट इज 5 × 2 एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आप इस तरह के 10 डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। अब अगर मैं उन नंबर्स को लिखने का सोचूं तो क्या हो सकते हैं, 12 14 32 54, इवन रिपीटेशन है तो इस तरह के नंबर्स भी आ जाएंगे, राइट एंड सो ऑन। तो जब आप ये सारे नंबर लिखेंगे तो एग्जैक्टली 10 ही लिख पाएंगे जो इवन भी हों और इन डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। मैंने इसमें सेकंड पार्ट ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा, इसी क्वेश्चन में अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं विदाउट रिपीटेशन, देन आई एम श्योर आइडिया इज क्लियर कि अगर ये तो इवन होना चाहिए नंबर, तो इवन के लिए इसके पास तो दो चॉइसेस ऑब्वियस रहेंगी। अब क्या होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लो यहां पर 2 यूज हो गया यूनिट प्लेस पर, अब मेरे पास एक चॉइस कम हो चुकी है, आई विल हैव दी 4 चॉइसेस अवेलेबल, तो इसीलिए ये 4 × 2 होकर 8 केसेस आ जाएंगे अगर विदाउट रिपीटेशन। तो ये विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन मेक्स अ डिफरेंस, बहुत ध्यान से समझिए। सो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से अब स्टार्ट किया है मैंने, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट लिया है अब आप उसको यहाँ रिलेट करिए, सिर्फ उसी क्वेश्चन को जो अभी लास्ट क्वेश्चन लिया है इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स, यहाँ इवन और ऑड की तो बात ही नहीं हुई है, सिंपल आपको 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो ये 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट का नंबर है एंड फर्स्ट केस रिपीटेशन इज अलाउड, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, इसके पास 5 चॉइसेस, इसके पास रिपीटेशन अलाउड है ना, अगेन 5 एंड अगेन 5 चॉइसेस, योर आंसर। सेकंड केस व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चेक करिए यहां, सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूं यूनिट प्लेस की बात करना, बट धीरे धीरे हम टेंस के बाद 100 प्लेस पे भी फोकस करने वाले हैं। अगर इन डिजिट्स में 0 साथ में दे दिया होता, राइट, तो दैट विल मेक सम चेंजेस इन द कंसेप्ट, क्यों, क्योंकि इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। 100 प्लेस पर अगर 0 आ जाता तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, बट मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो इसीलिए 0 यहां आए, उन केसेस को हम थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं 0 वाले केस को नहीं लूंगा, वो थोड़ा सा और लॉजिकल सोचना होगा। तो पहले सिंपल केस, सेकंड पार्ट आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर कि अगर अलाउड नहीं है रिपीटेशन यूनिट डिजिट के पास 5 चॉइस, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक चॉइस कम हो गई, फिर इसके पास एक और चॉइस कम हो गई, सो 5 × 4 × 3 60 वेज आर पॉसिबल। और इसको करने का दूसरा वे मैं बता चुका हूं, ये याद रखिए, ये फार्मूला जो मैं जो एनपीआर की बात शुरू कर रहा हूं या बेसिक बता भी दिया है, ये कब वैलिड है, व्हेन
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. अगर रिपीटिशन अलाउड है देन दिस फॉर्मूला डजंट वर्क. तब आपको कॉमन सेंस को ही यूज करना है, लॉजिक को लगाना पड़ेगा. बट अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सिर्फ उस केस में आप डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते थे, 5 digits हैं और उनमें से मुझे 3 digit का नंबर फ्रेम करना है. तो 5 digits 1 2 3 4 5 और इनमें से मुझे कोई भी 3 digits को यूज करना है क्योंकि 3 digit नंबर फ्रेम करना है. 5P3 will be the answer, provided repetition is not allowed. क्विक चेक, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. आई एम जस्ट वेटिंग कि आप इसको पढ़कर अपने आप समझ पा रहे हैं. और सेकंड पार्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है, इसमें क्वेश्चन में नहीं था. यस ठीक है. आप व्हाट्सएप पर भी अपना सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हैं, आई कैन चेक इट आउट, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन आने वाला है. यस सो ये तो सिंपल है, आई एम श्योर यू ऑल हैव डन. इस क्वेश्चन को एक बार देखिए. How many 4-letter code can be formed from the first 10 letters of English alphabet? First 10 letter of English alphabet का मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. इनमें से आपको letter choose करने हैं और 4-letter code बनाना है. No letter can be repeated. अब अगर एक basic understanding बननी शुरू हो गई हो, repetition allowed नहीं है, 10 letters हैं, उनमें से मुझे 4 को यूज करना है ऐसे कोड बनाने के लिए. तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन सिंगल स्टेप में यू कैन इवन राइट द आंसर. और ये जो है 10P4 वो एक्चुअल में कॉमन सेंस से, या वैसे कहूं अदरवाइज ऑल्सो, वो ये बनकर आता है. इसके पास 10 choices हैं, एनी 10 letters में से आ सकता है. अब रिपीटेशन नहीं है, एक चॉइस कम हो गई, एक और चॉइस कम हो गई, एक और चॉइस कम हो गई. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, दिस इज एक्चुअली कमिंग आउट इक्वल टू दिस 10P4. एनी डाउट टू एनीवन? Yeah, sorry. So check out this next question.
हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। वैसे इस तरह के टेलीफोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि चलो फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर है 1 2 3 4 5 और कह रहे हैं इट स्टार्ट विद 67। ये और ये फिक्स हो गए हैं, तो इनके पास तो मेरे पास एक ही चॉइस है, तो वन चॉइस मैं लिखूं या ना लिखूं, दे आर फिक्स्ड। अब बचे हुए तीन प्लेसेस हैं और अब इन पे देखो क्या करना है, ध्यान से सोचिए। डिजिट्स ही मेरे पास 0 से 9 तक, साथ में बता दिया नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, माने रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आप क्या करेंगे ऐसे में, 6 और 7 ऑलरेडी यूज हो गए हैं, इन्हें मैं ले ही नहीं सकता, तो अब कितनी डिजिट्स बच चुकी हैं मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 8 and 9, 8 डिजिट्स बच गई हैं। तो 8 डिजिट्स हैं और 3 प्लेसेस हैं जो मुझे फिल करने हैं, सो वो मैं 8p3 वेज में कर सकता हूं, और अदरवाइज आप ऐसे सोचेंगे, ये फर्स्ट प्लेस के पास, इसके पास 8 चॉइसेस, इसके पास बची हुई 7, इसके पास बची हुई 6। आप इसे रिवर्स भी सोच सकते थे कि यहां 8 चॉइसेस, फिर इसके पास 7 और फिर इसके पास 6 चॉइसेस, सो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप लेफ्ट से राइट सोच रहे हैं या राइट टू लेफ्ट, सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सर यस सर 8p5 की नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? 8p5। आपके पास कितने प्लेसेस को फिल करना है? 3, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है ना, 67 कह दिया कि नंबर फिक्स है कि स्टार्ट होना ही है 67 से, तो जब 67 फिक्स हो गया उसके बाद मेरे पास 3 ही तो प्लेस बचे हैं और 8 नंबर बचे हैं, तो 8 में से 3 जो आपको है वो 8p3 ही आएगा, 5 तो मेरे पास नंबर्स ही नहीं अवेलेबल है, आई कैन नॉट यूज 6, आई कैन नॉट यूज 7, और प्लेसेस सिर्फ 3 बचे हुए हैं ये वाले ऐसे, बाकी 2 प्लेस तो मैंने यहां 67 पे ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। सो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो ध्यान से। बहुत इजी है ये, 10th का ही कंसेप्ट है, चेक दिस आउट। तो याद आ जाएगा, ये आपने लिखना सीखा ही था 10th में, HHH HHT HTH, तो वो 8 कैसे आते हैं, तो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड, कॉइन को 3 टाइम टॉस करा है, एन आउटकम इज रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, तो 3 बार टॉस करा, पहली टॉस में हेड आ सकता था या टेल, 2 चॉइसेस, दूसरी में भी हेड या टेल आ सकता था, तीसरे में भी हेड या टेल आ सकता था, तो ऑफ कोर्स टोटल यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 8 वेज, तो कौन से 8 हैं वो आपको वैसे पता ही है, इनफैक्ट ये एक्सटेंडेड में है, 4 कॉइंस में 16 वेज, 5 कॉइंस में 32 वेज हो जाते हैं, एंड सो ऑन, सो इफ देयर आर n कॉइंस इट बिकम्स 2 की पावर n वेज। This question is already done. Check कर लीजिए, a very similar question already done.
अब एक्चुअल में बात करने वाला हूं व्हाट एक्जेक्टली इज द परम्यूटेशन. तो यस एनी डाउट सर? लास्ट क्वेश्चन में आपने वो 26 फैक्टोरियल बाय 23 फैक्टोरियल कैसे लिखा? वो ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि अब शुरू हो रहा है ना परम्यूटेशन, उसका फार्मूला यूज कर रहा है. सो दैट आई एम गोइंग टू यू डिस्कस नाउ. तो अभी के लिए आपको सिर्फ क्या देखना था पिछले क्वेश्चन में, ये वाला मेथड. तो मेक इट श्योर दिस इज क्लियर. ये मैंने ऑल्टरनेटिव था, दिस यू कैन अवॉइड एज ऑफ नाउ. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द परम्यूटेशन? यूज मैंने टर्म तो कर लिया बट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ये कि होता क्या है. सो बेसिक पहले डेफिनेशन को समझते हैं एंड देन आई विल कम टू द एग्जांपल. बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. परम्यूटेशन क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाई टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. इन परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्या मतलब? ऑर्डर डज मैटर. नंबर है 12 कहूं या कहूं 21, दोनों में डिजिट्स तो 1 एंड 2 ही यूज हुई है बट दे बोथ आर डिफरेंट नंबर्स. तो यहां मैं कहूंगा कि मैंने 1 एंड 2 का परम्यूटेशन जो है वो दो नंबर्स बन के आ रहे हैं बिकॉज मैंने सिर्फ डिजिट्स को अरेंज किया है. तो अगर मैं इनका ऑर्डर बदल देता हूं तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और ऑर्डर बदलते ही नया नंबर फॉर्म हो रहा है. एक और एग्जांपल यहां देखिए. एग्जांपल 1 जो इधर बताया है, एवरीवन लेफ्ट साइड, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम. बहुत ध्यान से, 2 एट अ टाइम का मतलब क्या हो गया? ए बी सी है पर आपने किन्हीं दो को यूज करा, तो ए बी या ए सी या बी सी लिख सकते थे, या ए बी हो या बी ए हो, दे आर द डिफरेंट केसेस बाय डेफिनेशन. क्योंकि यहां ऑर्डर डज मैटर, मतलब ये चीज अगर आपने समझ लिया ना कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, आपको कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि इन केस ऑफ जब मैं परम्यूटेशन बोलूंगा, एक तो वो अरेंजमेंट हो रहा है एंड अरेंजमेंट में भी ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हम धीरे धीरे बात करेंगे साथ में कॉम्बिनेशन की. तो कॉम्बिनेशन देखने में बिल्कुल परम्यूटेशन जैसा लगता है बट वहां एक्चुअल में सिलेक्शन होता है फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग वहां पर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट का मतलब ए बी कहूं या बी ए कहूं, इन दोनों को मैं एक ही केस काउंट करने वाला हूं इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन. तो ये थोड़ा सा बाद में आएगा. तो अब जरा परम्यूटेशन पे फिर फोकस करता हूं. चेक दिस आउट, जो येलो कलर से राइट साइड में लिखा है, ए बी सी 3 अल्फाबेट है और मैंने कहा टेकन ऑल 3 एट अ टाइम, तीनों को यूज करा है एक साथ, तब कितने टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल है? ये यहां पढ़कर देखिए, ये समझ आ रहा है? ये वाले 6 केसेस बनेंगे. ए स्टार्ट करा ए से, तो ए के साथ क्या आ सकता है? बी सी या सी बी. अब आ गई बी की बारी, बी के साथ या ए सी आएगा या सी ए आएगा. एंड रिमेंबर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये अलग अलग केसेस काउंट होंगे. लास्ट में यहां मान लो सी आ गया, तो सी के साथ या ए बी आएगा या बी ए आएगा. तो टोटल केसेस 6 आ रहे हैं. धीरे धीरे मैं इस चीज पे आ जाऊंगा कि दिस मींस दिस इज इक्वल टू 3P3. 3 अल्फाबेट है और तीनों को ही यूज कर लिया है. पिछले केस में ये क्या था? 3 अल्फाबेट थे बट मैंने यूज 2 को करा था. तो दिस इज ऑल्सो 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6.
क्यों है वो एक फॉर्मूला है, वो आने वाला है। दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, पिछले पेज पर ही देख लीजिए आप। चेक दिस आउट, अब क्या है क्वेश्चन में कह रहे हैं, ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी। अब आपके पास टोटल फोर अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं और आपको टेकन थ्री एट अ टाइम, तो यूज कितने कर रहे हैं इनमें से, थ्री। और क्योंकि परम्यूटेशन की बात करी है तो इससे डायरेक्ट आंसर वैसे बनेगा फोर में से थ्री आर टू बी यूज्ड, और फोर पी थ्री एक्चुअल में ये आंसर होता है 24। कैसे, उसके लिए अब आप जरा एक इस फॉर्मूला को देख लीजिए। एनपीआर का एक फॉर्मूला है, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम पहली बात कर चुके हैं क्या होता है इन आवर लास्ट फर्स्ट क्लास। तो फोर पी थ्री जब लिखना है, ये देखो फोर पी थ्री, फोर फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस हो गया वन फैक्टोरियल, और वन फैक्टोरियल तो वन होता है, तो फोर फैक्टोरियल हो गया 24। तो अगर मैं इन केसेस को लिखने बैठ जाता ये रहे, सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट मुझे ऑलरेडी सिंगल स्टेप में पता है कि टोटल केसेस जो बनेंगे वो 24 होंगे। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने ये 24 केसेस दिखा दिए हैं, बट ऑफ कोर्स इन एग्जामिनेशन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू लिस्ट ऑल दोस 24 केसेस। सो प्लीज बी श्योर कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ये बेसिक फाउंडेशन है, ये समझ आ गया, आगे आराम से चीजें समझ आएंगी। सो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड ऑन दिस पेज स्पेसिफिकली। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, स्पेसिफिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कंसेप्ट को यहां ध्यान से समझिए। तो दिस इज क्रस्क ऑफ व्हाट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट परम्यूटेशन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। Thank you, sir. Have a good day, sir. Okay, thank you. Good day. Divyansh, Sarthak, Ashita, leave the class.